हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उर्जित आर पटेल ने जो इस्तीफा दिया है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि उर्जित आर पटेल हमारे किस नंबर के गवर्नर थे, आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर थे उर्जित आर पटेल, इनका कार्यकाल क्या होता है, रीजन इस्तीफा देने का इनका रीजन क्या था। तो जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो इस समय काफी ज्यादा चर्चा में हैं उस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूंगी कि हमारे इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ जैसे ही कोई बर्निंग टॉपिक आता है, जैसे कि पीसा हो गया, G20 का सम्मिट हो गया, ये सारी चीजें भी आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उर्जित आर पटेल ने इस्तीफा दिया है ये हमारे किस नंबर के गवर्नर थे, तो 24वें नंबर के गवर्नर थे। इन्होंने जो इस्तीफा दिया उसके लिए इन्होंने जो रीजन दिया है वो बताया है कि पर्सनल रीजन है। क्या रीजन है पर्सनल बोलने का, क्योंकि सबको पता है, अगर आप लोग करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हैं, डेली न्यूज देख रहे हैं, तो आप लोग को पता है कि ये कोई पर्सनल रीजन नहीं है। ठीक, तो पर्सनल रीजन देने का एक और भी, जैसे कि जब आप किसी अच्छे पोस्ट पे हो, ठीक है, अब आरबीआई के गवर्नर को सिर्फ आप और हम नहीं जानते, आरबीआई को गवर्नर को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और ये हमारी स्थिति को मेंटेन किया है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सभी चीज़ों में। अगर ये अपने इशूज, भारत की अपने झगड़ों के इशूज क्या करेगा, ट्वीट करेगा, तो इसको, इस ट्वीट को सब लोग फॉलो करते हैं, सब लोग पढ़ेंगे, तो इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर। ठीक है, वर्ल्ड में हमारी इमेज खराब होगी। इस वजह से कोई भी बड़ा आदमी जो अच्छे पोस्ट पे हो, अगर वो रिजिग्नेशन देता है तो वो कभी भी रीजन में रियल रीजन नहीं बताता, उसे हमेशा अपना पर्सनल रीजन बताता है। ठीक, इसके पहले हमारे 23वें गवर्नर थे आरबीआई के रघुराम राजन। ठीक, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब आप किसी को बताओ या मत बताओ कि रीजन क्या है, लेकिन जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक है या ग्लोबल लेवल पे जो हमारे स्थिति है वो कुछ हद तक इमेज डाउन तो हो गई, क्योंकि आरबीआई क्या है, हमारा बैंकों का बैंक है। आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक है, या हमें रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड में। तो लगातार दो गवर्नरों के इस्तीफे से कहीं ना कहीं स्थिति डाउन तो होनी है। अब बात करते हैं कि जो गवर्नर होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 साल होता है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसे एक्सटेंड कर सकती है 5 साल के लिए। हालांकि उर्जित आर पटेल ने 2016 में ज्वाइनिंग लिया था, 2019 में इनका, वैसे भी इनका जो टाइम पीरियड है, टेन्योर है, वह समाप्त होता, लेकिन इसके पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये थोड़ा सा सोचने का बात है। ठीक है, अब देखते हैं कि रीजन क्या है। देखिए, काफी दिनों से आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसएग्रीमेंट्स चल रहा था। किसके किसके बीच, आरबीआई के गवर्नर हैं उर्जित पटेल और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अरुण जेटली, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आप नरेंद्र मोदी जी को नहीं इन्वॉल्व कर सकते, जो भी चीजें हैं नरेंद्र मोदी बोलेंगे अरुण जेटली को और ये बात करेंगे किससे, उर्जित पटेल से। ठीक, तो ये जो डिस्प्यूट है बेसिकली किसके बीच है, उर्जित आर पटेल और अरुण जेटली के बीच का। ठीक, इसमें है क्या, तो किस बात पर डिस्प्यूट है, इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आरबीआई का काम क्या है। देखिए, आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट तय करती है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि एफडी कर दो, उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो कौन तय करता है, आरबीआई तय करती है। ठीक है, उसके अलावा मार्केट में जो मनी की सप्लाई है, कितना मनी का सप्लाई होना चाहिए, यह भी कौन तय करता है, आरबीआई। जैसे होता है ना कि सब लोग कहते हैं इतनी गरीबी है, नोट छाप दो, क्या होगा, गरीबी हट जाएगी। तो मनी की सप्लाई को भी कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, इन शॉर्ट अगर हम लोग बोले तो आरबीआई क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को तय करता है। और जबकि अगर हम लोग बात करें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो किस पॉलिसी पे काम करते हैं, फिस्कल पॉलिसी, या क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। और इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं, कहाँ कहाँ पे कितना एक्सपेंस करता है, करना है, ये कौन डिसाइड करता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। इशू ये है कि आप लोगों ने सुना होगा कि एनपीए बढ़ रहा है भारत में। हम लोग बात करें अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इकोनॉमिक टर्म है एक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर बैंक 100 रुपये रखी है और इसमें से बैंक ने क्या किया है, लोन दिया है और 20 रुपये का लोन दिया, और ये 20 कैसे है, ये अब वापस नहीं आएंगे, भाग गए हैं या मर गए हैं या जो भी हो गया, अब ये 20 रुपये अगर वापस नहीं आएंगे तो ये बैंक के लिए क्या हो जाएगा, उसका एनपीए हो जाएगा। तो एनपीए
का अगर हम लोग रेशियो देखें तो काफी हद तक यह बढ़ रहा है। इसके अलावा आपने एक केस पढ़ा था नीरव मोदी का, जिन्होंने पीएनबी से लिया था लोन और यह पूरा पैसा लेकर के भाग गए। ठीक, तो इस ये किसको अफेक्ट करेगी, या पूरी इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी। नीरव मोदी जो पैसा लेके भागे हैं उससे क्या होगा, पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी अफेक्ट होगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए आरबीआई को ब्लेम किया कि मतलब आप बैंकों पे ठीक से नजर रख रहे हो, इस वजह से ये सब इश्यूज हो रहे हैं। तो पहली गलती तो ये थी कि गवर्नमेंट डायरेक्टली किसको ब्लेम किया है, आरबीआई को। आरबीआई ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है कि बैंक किसी को कितना लोन दे रही है, ये सब उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करते हैं तो उनके जो पर्सनल इशूज है उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा इशू था पीसीए इशू। ठीक है, आपको पता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, तो जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, सार्वजनिक बैंक है, उसमें एक होता है पीसीए फ्रेम। ठीक, होता क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। मतलब मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 करोड़, 100 हजार करोड़ रुपए हैं। ठीक है, उसमें से क्या किया, 30 हजार करोड़ रुपए बैंक ने बांट दिया और पता चलता है बैंकों की ये पैसा वापस नहीं आएगा। तो आरबीआई क्या करती है, ये जो 70 हजार करोड़ रुपए हैं इसे देने के लिए मना कर देती है और इनको किस कैटेगरी में डाल देती है, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो आपसे पूछ सकता है कि पीसीए स्टैंड फॉर व्हाट, पीसीए किसके लिए स्टैंड करता है, या पीसीए का फुल फॉर्म। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी मैं यहाँ पे डिस कि पीसीए का फुल फॉर्म क्या है, या पीसीए का संबंध किससे आपको दे देगा, साइंस से है, इकोनॉमिक्स से है। तो हमारा किससे, इकोनॉमी से है पीसीए का संबंध, जिसका फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है कि हाल ही में कितने बैंकों को अंडर पीसीए रखा गया है, तो 11 बैंकों को इसके अंडर रखा गया है। आरबीआई का कहना है कि इन बैंकों की कंडीशन खराब है और अब इनकी जो लेंडिंग पावर है उसे समाप्त कर दिया गया है काफी टाइम के लिए। ठीक है, जब तक इनकी हालत सही नहीं हो जाती। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आरबीआई इन ये जो बैंक है इनको पीसीए से बाहर निकाले, क्योंकि जो इनके पास इतने पैसे पड़े हैं, जब ये लोगों को देंगे, लेंड करेंगे, लोगों को उधार देंगे, तो क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ होगी। क्योंकि आपको पता है जो हमारी गवर्नमेंट है इस समय वो किस पे ध्यान दे रही है, स्टार्टअप्स पे। मैंने आपको कुछ दिन पहले बनाया था कि 59 मिनट में 1 करोड़ का लोन प्राप्त करे, तो ये सब लोन कौन देगा, ये सब लोन बैंक ही तो देंगे। ऐसा थोड़ी कि ये लोन सीधे आएगा, जो हमारी संचित निधि है वहां से थोड़ी आएगा, ये सब लोन दिया जाएगा बैंक के द्वारा। हालांकि जो बात आती है कुछ टर्म्स लगा करके, गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसको कम कर सकती है। ठीक, तो अब एक साथ 11 बैंकों को अगर पीसी के अंडर में रख दिया जाएगा तो क्या होगा, लोन्स नहीं प्रोवाइड होंगे, तो डेवलपमेंट भी काफी हद तक शून्य हो जाएगा, हालांकि होगा ही नहीं। ठीक, तो आरबीआई का कहना है ठीक है, आप चाहते हो कि हम इन बैंक्स को पीसीए से बाहर कर दें और ये लोन दे। आरबीआई का कह रहा है ऐसा थोड़ी है कि अगर हमने बैंकों को पीसीए के अंडर रखा है तो उसमें हमारा कोई प्रॉफिट है, हमारा तो प्रॉफिट है नहीं। हम क्या है, एक स्वतंत्र, आरबीआई क्या है, एक स्वतंत्र संस्था है, उसको स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है। तो आरबीआई ने बोला गवर्नमेंट से, एक काम करो, ये जो इनके पैसे खराब हुए हैं ना, आप इनको दे दो और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको पीसीए से बाहर निकाल देंगे, ये आराम से लोन देंगे और आपका काम भी हो जाएगा, इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो जाएगी। गवर्नमेंट ने उसने उसमें स्टेटमेंट क्या दिया कि गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपए दिए तो, लेकिन यह अभी भी कम है और पीसीए से इन 11 बैंकों को नहीं निकाला गया। ठीक है, तो इस वजह से ये सेकंड रीजन था कि गवर्नमेंट थोड़ा सा आरबीआई से खफा है और गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच क्या है, डिस्प्यूट चल रहे हैं। तीसरा रीजन था हमारा डिविडेंड इशू। आरबीआई को अपनी प्रॉफिट से गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है। ठीक है, जब 2015-16 में आरबीआई ने गवर्नमेंट को दिया था 66 हजार करोड़ रुपए एज अ डिविडेंड, लेकिन इस समय आरबीआई ने कितना दिया था, 30 हजार करोड़, 2016-17 में। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आरबीआई ने 50 के करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक है, 50 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। तो हुआ क्या कि ये जो बीच में 30 हजार करोड़ आ गया, अचानक से गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, कम से कम 50 से 60 तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आरबीआई ने कितना कर दिया इसे, 30 हजार। तो 30 हजार करोड़ इज अ बिग अमाउंट। गवर्नमेंट ने उस हिसाब से अपने प्लान सेट कर रखे थे कि ये जो पैसा हमें मिलेगा तो हमें कहाँ कहाँ पे खर्चा करना है। ठीक, पैसा ना मिलने की वजह से एक बार डिस्प्यूट की एक और वजह सामने आई, डिविडेंड इशू। ठीक है, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आरबीआई के पास रिजर्व होता है। ठीक
ठीक है, आरबीआई रिजर्व के रूप में अपने पास पैसे रखती है, तो गवर्नमेंट ने कहा उसमें से आप हमें 3.6 लाख करोड़ रुपए दे दो, हमें काम है। लेकिन आरबीआई ने कहा अगर हम ये पैसे आपको दे देंगे तो क्या होगा, यह हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, हमें इससे काफी ज्यादा हानि होगी। ये सब डिस्प्यूट तो चल ही रहा था, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि आरबीआई हमारी कोई बात नहीं मान रहा है, ठीक। हालांकि आरबीआई और गवर्नमेंट क्या एक दूसरे को कॉपरेट करके काम करती है, और आज तक देखा भी गया है कि आरबीआई ने हमेशा कॉपरेट किया है गवर्नमेंट को, ठीक है, मैक्सिमम मुद्दों में आरबीआई कॉपरेट करता ही है, ठीक। तो आरबीआई का एक एक्ट है, आरबीआई एक्ट कब बना था, 1934 में, पहले ये जान लीजिए आरबीआई एक्ट कब बना, 1934 में, और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इस एक्ट में एक सेक्शन 7 है, धारा 7 है, जो कि आज तक इतनी बड़े बड़े चीजें हो गई, भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है, फिर अभी हुआ था वित्तीय आपात पूरे विश्व में लग चुका था, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन सबकी खराब हो गई थी, अकेले भारत उसमें डट के खड़ा था कि भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा था। ये सब इतनी बड़े बड़े इश्यूज हुए, लेकिन आज तक इस आरबीआई के सेक्शन 7 को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सडनली ऐसा क्या होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई पर सेक्शन 7 अप्लाई कर दिया। है क्या ये सेक्शन 7? सेक्शन 7 में बताया गया है कि अगर कभी भी आरबीआई और गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार का डिसएग्रीमेंट्स होता है, तो गवर्नमेंट अपने पर्पस के लिए आरबीआई पर कंट्रोल कर सकती है, सलाह मशवरा कर सकती है और दिशा निर्देश दे सकती है। तो अभी के लिए जो पावर यूज किया है गवर्नमेंट ने, वो क्या है, कंसल्ट करने वाला, ठीक, जिसमें सलाह मशवरा कर रही है आरबीआई से कि पैसे दे दो हमको, 3.6 लाख करोड़ रुपए हमें दे दो। अभी उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, अब हमें लगता है कि देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर उर्जित आर पटेल इस्तीफा नहीं देते तो शायद देने की जरूरत पड़ती। अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट किसी ना किसी ऐसे बंदे को ही लाएगी जो इनके इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर दे, ठीक। अब बात करते हैं फोर्थ रीजन, फोर्थ रीजन इज द मेन रीजन, ये सबसे ज्यादा इश्यू है जो मैंने आपको बताया कि ये 3.6 लाख करोड़ रुपए जो आरबीआई रिजर्व से गवर्नमेंट मांग रही है और आरबीआई देने के लिए मना कर रही है, ये आरबीआई का टोटल एसेट्स और रिजर्व है जिसमें से गवर्नमेंट ने 3.6 लाख करोड़ रुपए मांगे। इसमें क्या क्या होता है, गोल्ड होते हैं, फॉरेन करेंसी होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बिल, तो इस तरह से पैसे क्या करती है आरबीआई अपने पास रिजर्व रखती है, जिससे क्या हो देश में कभी भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन सब आने की स्थिति में आरबीआई इन पैसों का यूज करती है, ठीक। तो अब देखिए है क्या, अब आता है हमारा आरबीआई का सेक्शन 47। क्या आरबीआई बिल्कुल बाध्य है पैसा देने के लिए? जी, आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए बाध्य है कि आरबीआई हमेशा अपने एक्सेस इनकम ऑफ आरबीआई ट्रांसफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई के पास जो भी एक्सेस इनकम होगी वह किसे देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी। तो आरबीआई ने क्या किया, 2017-18 में पैसे ना होने की वजह से अपने रिजर्व से, इसका आरबीआई का जो रिजर्व था उसमें से 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज अ डिविडेंड दे दिया, ठीक। इसके बाद भी अब गवर्नमेंट मांग रही 3.6 लाख करोड़ रुपए आरबीआई से, जबकि आरबीआई के पास इस समय कुल कितने कितने की फंडिंग है, 9.7 लाख करोड़, 9.7 लाख करोड़ हैं, तीन प्रारूप में ये पैसे रखे गए हैं, कंटिंजेंसी फंड, करेंसी और गोल्ड रिवोल्यूशन अकाउंट और एसेट डेवलपमेंट फंड। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये जो आपने रिजर्व रखा है हमें इसका 1/3 पैसा दे दो, जो कि आरबीआई नहीं देना चाहती है, और यही सब रीजन है जिसकी वजह से उर्जित आर पटेल ने इस्तीफा दे दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए, दो लोगों के झगड़े में, अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, कोई भी दो पार्टनर हैं, और आरबीआई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया पर रूल कर रहा है, तो इन दोनों के बीच सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, जो कि इस समय काफी हद तक नहीं दिख रहा है लोगों को। तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि झगड़ा चल रहा है तो क्यों इन्वेस्ट करेगा कोई, कहीं भी अगर डिस्प्यूट है तो कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा। और जो फ्यूचर के इन्वेस्टर्स हैं वो भी नहीं आएंगे, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो तो वापस जा ही सकते हैं, इसके अलावा फ्यूचर के इन्वेस्टर्स भी हाथ नहीं लगाएंगे, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आएगी तेजी से। अब बात आती है कि अगर उर्जित आर पटेल ने इस्तीफा दे दिया तो देन हु विल बी द नेक्स्ट गवर्नर। तो आरबीआई एक्ट 1934 में बताया गया है कि अगर कोई भी गवर्नर इस्तीफा दे दे तो गवर्नमेंट किसी को भी गवर्नर बना सकती है। अब अगर हम लोग बात करें पॉसिबिलिटी की कि किसे बना सकती है, तो ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, ऑफिशियल नहीं है। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एनएस विश्वनाथन, विरल,
आचार्य बीपी कानूनगो और एम के जैन और 12 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी इनमें से किसी एक को आरबीआई का गवर्नर बनाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। एक बार हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये तो पूरा प्रोफॉर्मा देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रश्न कहाँ से बनेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई में जो गवर्नर है हमारे उर्जित आर पटेल, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, ये किस नंबर के गवर्नर थे? तो 24वें नंबर है। उर्जित आर पटेल से पूर्व भारत के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो 23वें नंबर के थे, रघुराम राजन। ठीक, इसके अलावा आरबीआई के सेक्शन 7 में क्या बताया गया है? आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 7 में बताया गया है कि गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर आरबीआई को कंट्रोल कर सकती है। आरबीआई का जो सेक्शन 47 है उसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि आरबीआई का जो एक्सेस इनकम है आरबीआई उसको ट्रांसफर करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जहां से एग्जाम में आने की चांसेस है। बाकी एक पूरा प्रोफार्मा मैंने आपको दे दिया कि रीजन क्या था। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।